गाइस ये देखो दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक सीक्रेट टनल्स। और आज की ये वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज हम लोग इनके अंदर एंटर करने वाले हैं। भाई मतलब भाई एक से एक खतरनाक है, मेरे को इनको देख के बहुत डर लग रहा है। तो क्या मैं इनसे सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर नहीं, देखने के लिए पूरा वीडियो एंड तक वॉच करते रहो। तो पहले हम लोग कौन सी वाले के अंदर जाएं? भाई मेरे को बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पे बहुत सारी टनल्स हैं, सो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं पहले किसके अंदर जाऊँ। तो मेरे को शायद किसी के अंदर जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं हगी वगी के अंदर। सो लेट्स गो। सो हम लोग आ चुके हैं हगी बगी के अंदर एंड मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी पिक्चर नहीं भाई, ये कुछ लोग हैं जो कि मेरा यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। लगता है ये मेरे को मारने के लिए मेरा स्वागत कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इनको अपना स्वागत करने नहीं दूंगा। भाई मैं इनको मारूंगा, ये लो भाई। भाई मैंने इन्हें गिरा दिया, लेकिन रुको मैंने गन से मारने वाला हूँ। भाई ये बहुत हीरो बना है, निकलो यहाँ से, चलो तुम भी जाओ, निकलो भाई, चलो तुम भी निकलो यहाँ से, निकलो भाग यहाँ से, चल निकल। भाई मैं बहुत ही खतरनाक बंदा हूँ भाई। चलो ओए भाई नीचे एक लावा है गाइस बहुत सारा, हमको जाना है ऊपर। ओके हम लोग लैडर से ऊपर आ चुके हैं एंड हमारे सामने, ओ भाई ये कौन है? अबे नहीं, अबे शिट, अबे तू कौन है ब्रो? अबे हट जा यहाँ से भाई, मैं तेरे को जानता नहीं ना भाई, हटना यहाँ से यार। गाइस पता नहीं ये कौन है यार जो कि मेरे ऊपर हमला कर रहा है। अबे नहीं छोड़ दे भाई, अबे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है ब्रो, तू आखिर है कौन? अबे निकल यहाँ से यार, अबे बेवकूफ के बच्चे भाई। ओके गाइस मैं तो बच गया, मेरे को लगा कि मैंने गाइस अभी इसको स्पॉन किया है। ओके ये शायद हमको नहीं मारने वाली है एंड यहाँ पे चेस्ट, इसके अंदर क्या है? अरे वाह हमको मिल चुकी है बहुत ही बेहतरीन गन। चलो इसके अंदर क्या है, ब्लॉक के अंदर? ओ ओ ब्लैक हगी बगी गाइस, मेरे सामने तो एक ब्लैक हगी बगी है जो कि भाई हमारा इंतजार ही कर रहा था हमको मारने के लिए। और भाई ये फाइट कर रहा है अभी गाइस, इस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, इस धोती वाले मॉन्स्टर जो कि धोती पहन के आया हुआ है ना। अब इन दोनों की फाइट हो रही है, देखते हैं कौन जीतेगा इन दोनों में से। मेरे को लगता है भाई कोई ना कोई पक्का जीतने वाला है क्योंकि ये लो लड़ाई जो है बहुत ही खतरनाक है भाई। कोई तो जीतो भाई, कोई जीतो प्लीज। ओ भाई मेरे मॉन्स्टर ने हगी बगी को मार दिया, वाओ। अब इसके अंदर कौन है? इसके अंदर तो ब्लैक नहीं ब्लू हगी बगी है। अबे नहीं लगता ये रियल वाला हगी बगी है भाई। अबे रुको, लेकिन गाइस शायद मैं इसको अपनी गन से मार सकता हूँ, लेकिन मेरी गन कोई अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है। ओ मैंने मार भी दिया, वाओ मतलब मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। ये देखो गाइस मैंने इन दोनों को मार दिया हगी बगी को, लेकिन हमारा दोस्त भी मर चुका है एंड ये लास्ट, इसके अंदर कौन है? ये लास्ट वन है। ओ ग्रीन हगी बगी, अबे नहीं गाइस वैसे इसका नाम हगी बगी नहीं है, इसको बोलते हैं किसी मिसी। हाँ शायद आप लोग जानते होंगे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शायद किसी मिसी, मैंने सुना है कई लोगों से। एंड भाई ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये का पूरा झुंड है यार, तो इनसे फाइट करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये लोग आई थिंक मर चुके हैं एंड टाइम आ चुका है इसे बाहर निकलने का। सो लेट्स गो, चलो भाई बहुत देर हो गई है, चलो निकलते हैं। सो गाइस हम लोगों ने ये लेवल कंप्लीट कर लिया हगी बगी वाली और बहुत ही मजा आया इसके अंदर। और अब बारी है दूसरे के अंदर जाने की। सो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक कैट के अंदर एंड हमारे सामने कैट के अंदर आते हैं, इनको बहुत सारी कैट दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी हम लोग इनसे फाइट नहीं करने वाले हैं क्योंकि गाइस मुझे पता है ये लोग कैसे मरेंगे। भाई ये लोग मरने वाले मेरे बहुत ही खतरनाक वार से, यानी कि मैं इनके ऊपर फेंकने वाला हूँ बंदूक का बार एंड ये लोग मरने वाले हैं। वैसे ये कितने सारे हैं यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई। भाई यार रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, मेरे को गन लेने दो, शॉट। ओके बेटा बहुत हीरो बनना है तुम लोग, ये लो निकलो यहाँ से, चलो भागो सालो, चलो निकलो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो गन का वार, ये लो आग। ओके सो गाइस देखा मैंने कितनी खतरनाक तरीके से मार दिया। और मेरे को इस गेट को खोलने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा ये सर इसके। ओके एंड पहले इनको मार रहा हूँ, ये दो बची हुई हैं यहाँ पे गर्ल्स। ओके भाई कैट्स मर जाओ प्लीज, मेरे को जाने दो यहाँ से भाई। ओके अबे कैट मर भी जाओ तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है भाई, तुम मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे तुम्हें पता है फिर भी। एंड मेरे को लगाना है एक यहाँ पे। ओके एंड ये कंप्लीट। ओके बटन दबाते हैं और ये देखो ये बन चुकी है, लेकिन ये क्या अभी ये व्हाइट कैट यहाँ पे कैसे आ रही है? अबे नहीं व्हाइट कैट स्पॉन हो गई यार, अबे शिट व्हाइट कैट मर जा यार। लेकिन भाई मेरे को लगा ये व्हाइट कैट अच्छी हो गया, लेकिन ये तो बहुत ही बुरी व्हाइट कैट है और ये बहुत ही खतरनाक है। ओके सो मैंने इस व्हाइट कैट को मार दिया है और बारी है निकलने की, चलो भागते हैं यहाँ से। सो गाइस ये लेवल भी कंप्लीट और बारी है इस वॉर्म के अंदर जाने की। सो चलो चलते हैं वॉर्म के अंदर। सो ओके हम लोग आ चुके हैं वॉर्म के अंदर एंड वॉर्म लिटरली बहुत ही खतरनाक चीज होती है, मैं आपको बता दूं। ये रही मेरे सामने कैट, लेकिन कैट को तो मैं भी मार के आया हूँ, लेकिन ये कैट नहीं है, ये कैट के रूप में एक वॉर्म है बहुत ही लंबी सी यार। शिट
ओ भाई कहीं ये हमारे पास ना जाए, बट मैं इसको अपनी आग वाली गन से इजीली मार दूंगा। ये मेरा कुछ बिगाड़, ओ ये कौन है अब भाई? ये लोग पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं मेरे को मारने के लिए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इन सभी को मारने के लिए अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही माइनक्राफ्ट के अंदर आया हूँ सबको मारने के लिए एंड अपने दोस्तों को बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखाने के लिए। एंड गाइस अपने वीडियो को लाइक ना, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से एंड शेयर कर दो अपने माइनक्राफ्ट के दोस्तों के साथ। एंड यहाँ पे मैं इनको मार रहा हूँ, ओके वाह मैंने मार दिया है। एंड मेरे सामने एक पोर्टल है, ओ नहीं ये पोर्टल नहीं है, यहाँ पर तो एक सर्कस है ब्रो, और लगता है कितना बढ़िया झूला है मेरे सामने यार। अरे वाह क्या झूला है, मेरा तो मन करा, लेकिन ये क्या भाई झूले के अंदर जान आ गई है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता यार, झूले के अंदर जान कैसे आ सकती है मेरे को पता नहीं है, और ये झूला यहाँ वहाँ घूम रहा है भाई, लगता है इसके अंदर कुछ अजीब ही जान आ चुकी है। मैं इसको भाई अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में गाइस, मेरे को तो सिर्फ ओ मैंने इस झूले को किल कर दिया, और अब यहाँ पे मेरे दोस्त जो हैं मिनियन वो जेल के अंदर बंद हैं, तो इनको पहले मैं ऐसे बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कुछ सोचने वाला हूँ कि भाई क्या होता है मेरा। ओके सो मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, चलो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। ओके तो ये भी कंप्लीट गाइस, और बारी है इस डॉग के अंदर जाने की एंड बस के अंदर, सो गो। ओके हम लोग आ चुके हैं डॉग एंड बस के अंदर, एंड यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने पास रखने वाले हैं गन को, और हमारे सामने है लावा मेज, देखते हैं। ओ ये लिटरली एक लावा मेज है, यानी कि हमारे तरफ, ओ भाई ये आ रही है एक टॉम, लिटरली ये बहुत ही स्कैरी टॉम थी, और ये रहा डॉग भाई, और ये बहुत ही स्कैरी डॉग है, इतने बड़े बड़े, लिटरली भाई मेरे को इनको देख के बहुत ही दिमाग चकरा रहा है। और ये क्या, ये मेरे घर में क्यों घुसा है? अबे नहीं हटो यहाँ से भाई, ये लोग तो बहुत ही डेंजरस हैं गाइस, इतने बड़े हैं कि मेरे को देख के लगता है ये मेरी एक ही बार में चटनी बना देंगे, इसलिए मैं इसे फाइट करने भाई नहीं आ रहा हूँ। भाई मेरे को बचा लो प्लीज कोई, मेरे को इनसे फाइट नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग देखने में काफी ज्यादा बड़े लग रहे हैं, और मेरे को इतने बड़े लोगों से फाइट करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, और ये इतने ज्यादा बड़े हैं कि मेरे को लग रहा है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ जो कि अभी अभी बॉर्न हुआ हूँ। सो भाई मेरे को इनको, भाई ये भी आ चुकी है गाइस, यहाँ पे तीन तीन लोग हैं, डॉग है और टॉम है और टॉकिंग एंजेला है, और तीनों के तीनों स्कैरी हैं, क्रीपी एकदम खून वाले यार। ओके ओबे भाई मैंने मार दिया इसको टॉकिंग एंजेला को, एंड यहाँ पे कोई तो बचा होगा, आई थिंक मैंने सबको मार दिया है, लिटरली मैंने सबको मार दिया गाइस, आई डोंट नो मैंने कितने लोगों को मारा। एंड यहाँ पे एक डोर है जिसको मेरे को खोलना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा इसके अंदर कौन है, सो के लेट्स ओपन दिस। ओके यहाँ पर तो एक बस है जो कि बाहर पोस्टर पे लगी हुई थी, ये वही बस है जो कि बहुत ही जानी मानी खतरनाक बस होती है, और इस बस के अंदर जो बच्चे होते हैं वो उन्हें खा लेती है यार। एंड यहाँ पे कितना सारे भाई मैं बम लगा रहा हूँ ताकि जैसे यहाँ पे आएगी ये बम फट जाएंगे और ये मर जाएगी। सो मेरे पास है, ओके हमारा प्लान वर्क, लेकिन भाई उसके कुछ भी नहीं हुआ इससे, बल्कि वो और गुस्से में आ चुकी है, लेकिन मैं दोबारा बम फोड़ूंगा। ओके लेकिन उससे भी इसके कुछ नहीं हो रहा है, अब मेरे को और इसके ऊपर गन से फायर करना पड़ेगा ताकि इसके कुछ हो जाए, बट ये गन से भी शायद नहीं मरने वाली है, क्योंकि जो इसका भाई मतलब ये कुछ है ही खतरनाक सी, इसलिए इसको मारना मुश्किल है थोड़ा भाई, लेकिन फिर भी मैं इसको मारने का ट्राई करता हूँ, शायद कुछ इसको हो जाए बट। ओके भाई मर जा प्लीज यार, बस तू चाहती क्या है गाइस। ओके तो ये बस को मैंने मार दिया है गाइस, एंड अपना काम खत्म हो चुका है यहाँ पे, तो चलो निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस ये भी कंप्लीट हो चुका है, बारी है ये सायरन हेड के अंदर जाने की, ये बहुत ही खतरनाक होता है भाई, इसको तो मैं जानता हूँ लिटरली ये बहुत ही खतरनाक होता है। एंड फिर से हमारा स्वागत किया है बहुत सारे कांटों ने, और उन कांटों से हमें बहुत डैमेज आ गया है, हमारे सामने कैट भी नहीं, ये सायरन हेड है ब्रो, ओ मैंने देखा ही नहीं से भाई, ये सायरन हेड गाइस, गाइस देखो ऐसे होते हैं सायरन हेड, आप लोगों ने देखे होंगे शायद, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है यार, मेरे को इनको देख कर बिल्कुल दिल कांप रहा है। सो मैं इसे फाइट करने वाला शायद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा है। ओके तो मैंने इन्हें मार दिया है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या मिलता है, शायद आगे कुछ और मिल जाए। ओके ओ माई गॉड इतने सारे सायरन हेड एक जगह बंद है भाई, लेकिन इनको यहाँ बंद किसने किया भाई, लगता है ये इनका अड्डा है, लेकिन मेरे को इन सबको मारना पड़ेगा भाई, ये बहुत ही मुश्किल है बट मैंने मार दूंगा, इनको मारना बहुत ही मुश्किल है भाई, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखो मैंने मार दिया है, मैंने फाइनली इन सभी को मार दिया है। एंड चलो चलते हैं अंदर की तरफ। ओके तो यहाँ पे हमारा स्वागत कर रहे हैं, ये कौन है भाई, ओ आई थिंक ये भी सायरन हेड है, जी हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा, और ये सायरन हेड ही है गाइस, मेरे को इन्हें गन से मारना है, बट ये एक अच्छी बात है, ये ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, ये एकदम फिसड्डी होते हैं, मतलब इनको कुछ फाइट करना नहीं आता है, और ये बहुत ही आलसी होते हैं, तो मैंने आसानी से मार दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके
इनको मार दिया एंड यहाँ पे बाकी हैं ये लोग कुछ लोग। ओके ओके गाइस ये खत्म। ओ इसके अंदर कुछ तो है भाई, और वो सबसे भयंकर वाला सायरन हेड। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सायरन हेड है भाई, लिटरली इससे फाइट करना बहुत ही मुश्किल है, बट ये मरता ही नहीं है भाई, कितना मारो ये मरता ही नहीं है। भाई 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 मर जा प्लीज भाई, मैं तेरे बहुत सारे दोस्तों को मार के आ रहा हूँ, तू भी मर जाना, मेरी इज्जत का सवाल है भाई। ओके गाइस रुको, उसको मारने का वक्त आ चुका है। एंड गाइस ये ले भाई, निकल यहाँ से, ये ले मेरी गन का शॉट, ये ले फायर शॉट, ये मैंने मार दिया इसको फाइनली। और हम लोग आज की वीडियो को जीत चुके हैं। इसके अंदर क्या है, चेस्ट में ये क्या है भाई, बहुत सारे कलर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस क्या आप लोग कभी ऐसी माइनक्राफ्ट की सीक्रेट टनल्स के अंदर गए हो जिसके अंदर जाने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता है? जी हाँ, आज की वीडियो में मैं जाने वाला हूँ इन सभी के अंदर, और इनके अंदर जो भी जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी एंड स्कैरी सीक्रेट टनल्स हैं एंड ये एक से एक ज़्यादा खतरनाक लेवल की हैं। सो हम लोग जाने वाले हैं फर्स्ट के अंदर, इसका नाम बस है। सो हम लोग आ चुके हैं एक स्कैरी बस के अंदर, और यहाँ पर इनको बस तो मिली नहीं, उसके अलावा कुछ बिल्ली मिल चुकी है वाइट कलर की, जिसको मारना पड़ेगा यार, जो कि हमारा रास्ता रोक रही है। रुको पहले इसको ख़त्म करते हैं पूरा। ओके बिल्ली जाए यहाँ से यार, मेरे को परेशान मत कर, मैंने बिल्ली को मार दिया है। एंड यहाँ पे एक और है मेरे सामने बिल्ली, अबे मर जा यार। ओके सो बिल्ली, अबे यहाँ पे एक और भी है यार, कितनी सारी हैं, एक और है यार, इसको मारो फटाफट। ओके एक और है, और कितनी सारी हैं भाई, मेरे को पता नहीं था। ओके मेरे को डालने का इसके अंदर कोड। ओके मैं आ चुका हूँ एक न्यू लोकेशन पे, मेरे सामने बहुत सारी ग्रेवयार्ड है, इन्हें करते हैं। ओ भाई ये कौन निकला इसके अंदर से, गाइस इस ग्रेव के अंदर से ये निकला एक ब्लैक कार्टून कैट, और ये मेरे ऊपर हमला कर रही है। भाई छोड़ दे मेरे को, इसके अंदर कौन है, इसके अंदर तो कौन, ओ इसके अंदर भी कोई है भाई। अबे ये कौन है, अबे ये भी कैट है, शिट। अबे नहीं भाई नहीं, छोड़ दो मेरे को। वैसे मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, अब इसके अंदर कौन है, ओ इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा, लेकिन ये क्या, ये तो एक झूला था यार सर्कस वाला, चलो कोई बात नहीं। और ये रही हमारे सामने बहुत ही खतरनाक बस, हाँ यही गाइस वो बस है जो कि बाहर पोस्टर पे छपी हुई थी, एंड इसको मेरे को मारना पड़ेगा। ये देखो मैंने इसको फाइनली मार दिया है। सो गाइस यहाँ पे देखो फर्स्ट लेवल कंप्लीट, बारी है सायरन हेड के अंदर जाने की। सो मैं आ चुका हूँ सायरन हेड के अंदर, और सायरन हेड से पहले फाइट करने से पहले मेरे को इन लोगों से फाइट करनी पड़ेगी जो कि सायरन हेड के बॉडीगार्ड यानी कि पहरेदार हैं, तो पहले इनको मारना पड़ेगा। ओके एंड यहाँ मैंने कुछ को मार दिया है। ओके मेरे को इनको मारना पड़ेगा भाई, निकल यहाँ से, चल निकल भाई तू जा यहाँ से भाई, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सायरन हेड से फाइट करनी है और बाकी किसी से फाइट नहीं करनी है। भाई देखो मेरे को पहले ही बहुत डर लग रहा है, और मेरे को भाई ये लोग ऊपर से फाइट कर रहे हैं तो मेरे को और भी ज़्यादा डर लग रहा है। सोच अंदर देखते हैं अंदर क्या मिलता है हमें। वैसे गाइस ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अजीब और गरीब है, और ये कौन है भाई, अबे अबे तू कौन है, अबे छोड़ भाई मेरे को, अबे ये कौन है भाई, नो। ओके भाई मेरे को लगा ये मेरे को मार देगा, बट ये तो कुछ कर नहीं पाया मेरा। और ये कौन है भाई, अबे भाई मैंने इसको भी मार दिया, लिटरली मैं इतना ताकतवर कैसे हो चुका हूँ मुझे खुद नहीं पता। और अभी ये भी है यहाँ पे, लेकिन इसको तो मैं आराम से मार दूंगा यार, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, अबे निकल यहाँ से। ओके 10+1=11 होता है, गेट खोलो आराम से, गेट के अंदर कौन है भाई, चलो चेक करते हैं। अरे वाह वैसे ये कितनी अच्छी लोकेशन है यार, ओ यहाँ पर एक सायरन हेड है, मारो इसको मारो मारो। ओके एंड यहाँ पे कोई और भी है क्या, जो और ये रहा है सायरन हेड, इसको मारो जल्दी से, हमें गाइस यहाँ के सारे सायरन हेड्स को खत्म करना है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। एंड हमारे सामने काफी सायरन हेड आ चुके हैं, और हम लोगों ने काफियों को मार भी दिया है, लेकिन अभी भी काफी सारे बाकी हैं। ये रहा मेरे सामने एक सायरन हेड, इसको मारो फटाफट जल्दी से, लेकिन ये मेरे को मार रहा है, नहीं मेरे को डैमेज आ रहा है भाई, मेरे को डैमेज ना आने पाए, जल्दी मारो इसे। ओके मर जा भाई प्लीज, भाई मेरे को डैमेज आ रहा है। ओके चलो भाई निकलते हैं। सो गाइस ये लेवल हो चुकी है पूरी खत्म, एंड अब बारी है इसके अंदर जाने की। ये एक बस वाली सायरन हेड है, इसको बोलते हैं बस सायरन हेड, एंड हमारे स्वागत के लिए कुछ लोग खड़े हुए हैं, पहले इनको भाई जान से मारना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी रास्ते की ओर। सो ओके आई किल्ड इट, ओके इसको मारते हैं। ओके भाई निकल जाए ऐसे, भाई निकल भाई निकल 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 निकल। ओके एंड यहाँ पे इसको भी मारना पड़ेगा भाई, तू मर जा भाई। ओके इसको भी मारना पड़ेगा, इसको भी इसको भी इसको भी। ओके एंड यहाँ पे इसको भी जल्दी मारना पड़ेगा। ओके भाई जा यहाँ से भाई, मर जा प्लीज, एंड इसको मारते हैं पहले फटाफट। ओके भाई निकल यार। ओके एंड यहाँ पे इसको मारते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है इसको मारना, वरना ये हमको मार देगा। ओके ओके भाई जा यहाँ से यार, निकल भाई।
एंड ये बचा हुआ अपना बंदा इसको मारते हैं फटाफट, वरना ये तो भाई ओके खत्म हो गया। चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं गाइस अब अंदर क्या होता है। अंदर ये हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी दीवार है और दीवार के अंदर ये बस वाला मॉन्स्टर है, बस वाला सायरन हेड। ओह माय गॉड, नो 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 भाई नो गाइस, ये हमारे ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से हमला कर रहा है और हमको इससे बचना है और बचने के साथ साथ हमें इसको मारना भी है, लेकिन कैसे मारना है ये मुझे नहीं पता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और क्रीपी है और यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे हैं भाई। ओके मैं यहाँ पे और भी होगा शायद, ये रहा एक और लास्ट, इसको मारना फटाफट जल्दी से। अरे भाई मर जा, लिटरली ये बहुत ही बड़ा है और मेरे को बहुत डैमेज दे रहा है, मैं इसे फाइट नहीं कर पा। ओके मैंने मार दिया, चलो निकलते हैं यहाँ से। ओके गाइस मैंने इसको मार दिया है, बस वाले को भी, और बार ये एक ये आई थिंक इसको वॉर्म बोलते हैं, मैं आ चुका हूँ वॉर्म के अंदर। वैसे वॉर्म मेरे को यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, मेरे को यहाँ मिल चुकी है ट्रेन की पटरी और मेरे को इसको बैठ के जाने का है। मैं कहाँ गिर गया भाई? ओ भाई तुम लोग कौन हो, भाई तुम लोग कौन हो, तुम लोग कौन हो, रुको मैं तो मारता हूँ। ओके और देखते हैं अब कौन मिलता है। चलो ऊपर चलते हैं गाइस, दोबारा चलते हैं ट्रेन से। ये मैं कहाँ गिर गया लिटरली? भाई तू कौन सा मॉन्स्टर है गाइस? मेरे सामने मैंने इसको मार दिया, एक बहुत ही मोटा वाला मॉन्स्टर आया था ब्लैक कलर का, मैंने इसको मार दिया। अब कौन आएगा अंदर भाई? आप कौन हो सर जी? ट्रैफिक हेडलाइट, ओ नो ट्रैफिक वाला सायरन हेड है यार, नहीं इसको भी मार दिया। मतलब मैं तो इतना पावरफुल हूँ ना कि मैं हर किसी को मार देता हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत जान है यार। चलो इंशाल्लाह मैं बहुत ही प्रो बंदा हूँ गाइस। एंड यहाँ पे देखो कितने सारे सायरन हेड बंद हैं और ये वॉर्म वाले सायरन हेड हैं, सो इनको भी मारना पड़ेगा हमें। एंड इसके अंदर ये कौन है? ओ ये पांडा है क्या? आई डोंट नो, आई थिंक ये पांडा ही लग रहा है, बट मैंने इसको देखो इतनी आसानी से मार दिया। एंड इसको मारते हैं फटाफट से। लो बे भाई ये वॉर्म मेरे को मार रही है लिटरली। अबे तू बचेगी नहीं भाई, तू मेरे को हमला कर रही है, तू पिटेगी भाई, तू पिटेगी पक्का गाइस। ये मतलब मैं इसको बचाने लिटरली मैंने सबको मार दिया है। चलो निकलते हैं भाई, 3-2=1। ओके सो चलो फटाफट निकलते हैं। ये क्या है भाई? ये तो डायमंड की खान है और डायमंड की रक्षा करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं, मेरे को इनको मारता हूँ पहले, उसके बाद ही मैं यहाँ से कलेक्ट कर पाऊँगा डायमंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट द डायमंड्स, मैं सारे के सारे डायमंड्स और ये भाई बेशुमार दौलत ही सारी की सारी चीज़ें मैं ले लूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार मेरे लिए भाई, और इनसे मेरी ज़िंदगी बन जाएगी पूरी। सो मैं सारे के सारे डायमंड्स को यहाँ पे लगाने वाला हूँ। वैसे मैं कुछ घर लेके नहीं जाने वाला, इससे मेरा गेट खुलेगा ना, इसलिए मैंने डायमंड लिए हैं भाई। चलो निकलते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने एक वॉर्म है, इसको पहले मारूँ उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ। ओके सो चलो निकलते हैं यहाँ से। ओके गाइस ये भी कंप्लीट, और बारी है हाउस हेड की, इसका नाम है हाउस हेड। ये एक बहुत ही बड़ी मकड़ी होती है, लिटरली आप लोगों ने देखी होगी लाइक अभी देखा यहाँ पे लिखा है फाइंड द की, हमको उस गेट के अंदर जाने के लिए की को ढूंढना पड़ेगा, बट की कहाँ पे होगी ये मैं नहीं पता। और हम लोग ये कहाँ गिर गए भाई? डॉल कैसी है? अभी डॉल हमला कर रही है भाई, मैं गया और मेरी हेल्थ देखो भाई, भाई मेरी हेल्थ देखो यार गाइस कितनी कम बची थी। अब इसके अंदर कौन है? ओ ये तो वही बड़ा दानव है ब्लैक कलर का, लेकिन भाई इसको तो मैं आराम से मार दूंगा। ओके इसको मार दिया हमने, और अब बारी है इसके अंदर कौन चेक करने की। ओ ये तो भाई, ये भाई केले की शक्ल का बंदा, इसको तो पक्का ही भाई, ये तो पक्का ही पिटेगा मेरे हाथों से क्योंकि पिटना इसकी भाई नस नस में लिखा हुआ है इसमें। इसके अंदर कौन है? हाय ब्रो आप कौन हो सर जी? मेरे ये तो वॉर्म है ब्लैक कलर की, लेकिन ब्लैक वॉर्म को हमने आराम से मार दिया। हम लोग ढूंढने के लिए आए हैं हाउस हेड को, वो हमको ढूंढना है, वो पता नहीं कहाँ पे होगी, आगे की तरफ होगी कहीं ना कहीं, तो चेक करते हैं। यहाँ पर तो कैट्स हैं यार, कैट्स को मैं बहुत बार मिल चुका हूँ और मेरे को इनसे मिलने का मन नहीं करता बिल्कुल भाई, लेकिन मैंने आराम से मार दूंगा भाई, मर जाओ कैट्स। ओके एंड यहाँ पे ये रही भाई, अबे अबे कैट्स जाओ यहाँ से यार, तुम निकलो कैट्स जाओ। ओके कैट्स मर चुकी हैं। सो चलो अब देखते हैं हाउस हेड कहाँ पे है, वो बड़ी सी मकड़ी कहाँ पे है, क्योंकि मेरे को उससे फाइट करने की एकदम भाई एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट हो रही है। सो चलो चलते हैं अंदर, एंड हमारे सामने एक और ये बड़ी कैट है यार, बट कैट कितनी सारी मिल रही है मेरे को। अबे नहीं ये वॉर्म वाली कैट दोबारा कैसे आ गई यार? ओके एंड यहाँ पे ये टीवी वाला सायरन हेड, ओके इसको भी, ओके यहाँ पे इसको भी मारते हैं फटाफट भाई, निकल यहाँ से भाई, निकल निकल अबे निकल यार। ओके ओके और कोई है क्या? तू भी पिटेगा क्या? निकल यहाँ से भाई, ये ले। ओके भाई मना किया, मैं से फाइट मत करो, यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे कोई भी नहीं है गाइस। वैसे यहाँ पे वो है लगता है हाउस हेड, यहाँ पे है ही नहीं। ये रही हाउस हेड, ओ भाई ये रही हाउस हेड भाई, कितनी खतरनाक है। ओके भाई ये क्या मैं से मार पाऊंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा ट्राई करना हूँ करने वाला हूँ उसे। ओके आई किल्ड इट, मैंने इतनी बड़ी हाउस हेड को मार दिया है
और मैंने बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।